पाला क्षेत्र में विगत कई दिनों से लाइट की समस्या को लेकर लोगों में आक्रोश था। इसके चलते वहां के निवासी द्वारा प्रदर्शन भी किया गया था। नगला पैसा नीम गली के दर्जन लोग कैंट बिजली घर पहुंचे, जहां उनके द्वारा विद्युत विभाग के एक्सियन को अपनी शिकायत लेख रूप में दर्ज कराई गई। विद्युत विभाग एक्सियन ने कहा कि क्षेत्र की समस्या को जल्द से जल्द हल कराने का आश्वासन दिया। कहने को तो विद्युत विभाग 24 घंटे बिजली देने का दावा करता है, मगर अभी भी जनपदवासी लाइट न मिलने से परेशान हैं। नगला पैसा नीम गली के निवासी दर्जनों की संख्या में कैंट बिजली घर पहुंचे, जहां उनके द्वारा विद्युत विभाग के एक्सियन को अपनी लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। महेश चतुर्वेदी जी, आज बिजली घर पर आए हुए हैं, क्या समस्या है? समस्या पूरे दिन हमारे क्षेत्र का ये कृष्णा नगर से पोषित दरेसी फीडर है, देवी विष्णु मंदिर ट्रांसफार्मर है हमारा, और पूरे दिन में कम से कम नहीं तो नहीं 15 से 20 बार शटडाउन होते हैं, जिसमें एक लाइनमैन अधिकारियों द्वारा बोला जाता है कि दिन में 3 बार काम कराना है। लाइनमैन डायरेक्ट शटडाउन ले लेते हैं, एसएसओ डायरेक्ट शटडाउन ले लेते हैं और बोलते हैं हम दिन में 1 बार नहीं 20 बार शटडाउन देंगे। यानी इस हिसाब से लग रहा है कि लाइनमैनों की कुछ मिलीभगत है, जिसकी वजह से वो बार बार शटडाउन दे रहे हैं और लाइन को पीट रहे हैं। तो हमने आकर एक्सचेंज साहब को उनकी शिकायत की है और एक ज्ञापन दिया है कि इस पर तत्काल कार्रवाई करें और इस समस्या का निदान करें। क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाएगा।